डियर स्टूडेंट्स, कल कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप सबको मिली। उसके एक दिन पहले भी एक बहुत बड़ा डेक्लरेशन आया था। डेक्लरेशन ये आया कि आपका सिलेबस जो है वो 30% रिड्यूस होगा। फिर कल आया कि आपका सिलेबस क्या होगा, और कल से कई सारे बच्चों के मुझे कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सिलेबस के रिगार्डिंग थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा। तो इसी पर्पस से हम आज का ये वीडियो लेक्चर आपका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले आपका अपडेटेड सिलेबस देख लेते हैं। अपडेटेड सिलेबस ऑफ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज फॉर क्लास 10 GSEB। नाउ आपका जो सिलेबस है, जैसे मैं हमेशा से बताता आया हूं, तीन हिस्सों में बटा हुआ है, टेक्स्ट, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। तो टेक्स्टुअल पार्ट में आपके दो बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें कौन कौन से यूनिट अब रह गए, तो प्रोज में रह गए आपके लेटर टू गॉड, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, द सेरेमनी एट बनारस एंड द प्रपोजल। ये यूनिट्स आपके रहे। क्या हटा दिया गया? एक ही यूनिट हटा दिया गया, मिजबिल द ऑटर। दूसरी तरफ पोएट्री सेक्शन में कौन सी पोम रह गई? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, द बॉल, अमेंडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। ये सिलेबस में रहे। और कौन से पोम्स को निकाल दिया गया? हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग फॉर एन ग्रेगरी। ये यूनिट्स आपके पोएट्री के हटा दिए गए। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, कॉपी करने के लिए कोई समय या वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। PDF लेक्चर खत्म होते होते आप सबको पहुंच जाएगा इसका, तो यू विल बी एबल टू सी। नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी दूसरी बुक है, उसमें से अब उसमें आधा आधा सिलेबस बांट दिया गया, मतलब पांच रखे पांच हटाए। अ ट्रायंफ ऑफ अ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये पांच यूनिट रखे और पांच यूनिट निकाल दिए गए। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट नहीं रहा, द नेकलेस नहीं रहा, द हैक ड्राइवर हटा दिया गया, भोली हटा दिया गया, द बुक दैट सेव द अर्थ हटा दिया गया। ये यूनिट्स हटा दिए गए। अब आइए आपको ले चलते हैं ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के। तो ग्रामर में क्या क्या रहा आपके सिलेबस में? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन में अब आपके टॉपिक रह गए इंट्रोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लामेटरी, तीन, चेंज द वॉइस, क्वेश्चन टैग, यूज टू एंड रिमूव टू। क्या क्या नहीं रहा ग्रामर में? डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं रहा, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पंक्चुएशंस एंड अफर्मेटिव नेगेटिव, ये टॉपिक्स अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे। कुछ आइए इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आपको दे दूं। दिस मॉडिफिकेशन ऑफ सिलेबस, जो मॉडिफिकेशन आया है, विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस ईयर ओनली, 2021 के लिए ही है। मतलब जो नेक्स्ट ईयर बच्चे आएंगे उनको इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। नंबर टू, द पेपर पैटर्न विल रिमेन द सेम, यानी पेपर 80 मार्क का ही होगा, 16-16 मार्क के पांच सेक्शन होंगे। पहले 21 यूनिट्स थे, अब 7 यूनिट इन्होंने टोटल घटा दिए हैं, 14 यूनिट्स रह गए हैं प्रोज के। पोएट्री के हटा दो तो और कम हो जाते हैं, मैं सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा था। उस तरह से ये लोग जितना सिलेबस बचा हुआ है उसी से मैनेज करें। द इंटरनल मार्किंग स्कीम ऑफ सेक्शंस मे बी अपडेटेड एज पर रिक्वायरमेंट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एरर करेक्शन पहले 4 मार्क का था, अब वो 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, 3 का आ जाए, तो इंटरनली किसी सेक्शन के अंदर मार्किंग अप डाउन हो सकती है। लेकिन जो शुरू से नियम रहा है, प्रोज सेक्शन 16 मार्क का, पोएट्री और सप्लीमेंट्री सेक्शन 16 मार्क का, ग्रामर 16 मार्क का, रीडिंग स्किल 16 मार्क का और राइटिंग स्किल 16 मार्क, इस तरह से आपका
टोटल पेपर बनता है जो पूरे के पूरे 80 मार्क्स का बनता है। पेपर उतने का ही रहेगा, 80 मार्क्स का, 5 ही सेक्शन होंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है मेरा। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी आपके 10th स्टैंडर्ड के अपडेटेड सिलेबस। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे अनसुलझे सवालों के जवाब आपको इस प्रेजेंटेशन में मिल गए होंगे, इस वीडियो में मिल गए, ठीक है बेटा।